चलिए बाबू, YouTube के चैनल स्काईलाइट मैथमेटिक्स में फिर से आप लोग का स्वागत है। और फिर से हम लोग आर एस अग्रवाल थ्री राइटर के लाभ हानि के 31 नंबर क्वेश्चन से शुरू हो रहे हैं। तो हमारा 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, पढ़ रहे हैं। किसी वस्तु को 1960 ₹20 में बेचने से उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना कि ₹1280 में बेचने से हानि होता है। तो 25% लाभ कमाने के लिए कितने में बेचा जाएगा। तो बताए थे सीपी निकालने के लिए दोनों को जोड़ के 2 से भागा देवे ला बोले थे, और फिर 25% लाभ। तो इधर हम शॉर्ट में पहले बना देते हैं कि डायरेक्ट सीपी निकालिए कैसे भाई। तो दोनों के जोड़ के 2 से भागा यानी 1920, और जोड़ 1280 में 2 से भागा दे देंगे तो आपका आ जाएगा बाबू। ये देखिए 2 से कटेगा 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, आ ये 2 से कटेगा 640, तो सब मिला के हो गया बाबू ₹1600। ऐसे भी कटल जाता है बाबू। आ के परसेंट लाभ कह रहा है, 25% लाभ। तो 25% का मतलब ₹400, 25% का मतलब ₹400। तो 1600 क्रैमुल था, 400 लाभ, यानी आप कितना में 25% लाभ पर बेचिएगा, तो ₹2000 में। ये ट्रिकली मेथड हो गया। अब बेसिक मेथड आइए बाबू। हम बोले थे कि ₹1920 में बेचने से लाभ होता है। तो अगर ₹1920 में बेचने से लाभ होता है और लाभ यदि ₹1 हो उसको घटा दिया जाए तो क्या बन जाएगा, क्रय मूल्य। फिर दूसरका में कह रहा है कि ₹1280 में बेचने से उतना ही हानि होता है, यानी कि 1280 में से यदि ₹1 जोड़ दिया जाए तो कितना में खरीदा था ये निकल जाएगा। अगर ₹1280 में बेचे, ₹1 का लॉस हो रहा है, यानी हमका खरीदी मूल्य निकल गया, ये ओन्ने जाएगा बाबू। तो देखिए ओन्ने जाएगा तो हो जाएगा 2x। तो 2x बराबर ही घटेगा तो 8 4 12, 8 4 12, अभी रह गया बाबू 8 8 640, यानी 320। इसका अर्थ हुआ कि ₹320 का चाहे तो लॉस हुआ है, ना तो ₹320 का फायदा हुआ है। तो यहाँ पर हम सीपी निकालेंगे तो सीपी निकल गया, 1920 में से 320 गया तो ₹1600। आप इसको 25% लाभ पर आप बेचना चाहते हैं, बेच दीजिए, हमको कोई तकलीफ नहीं है, ₹400 फायदा कमाइएगा। तब बिकेगा कितना में, तो ₹2000 में। तो कुछ लड़के इस ढंग से बनाना चाहते हैं तो ऐसे बनाइए, ना तो ट्रिक हो गया कि उतने लाभ उतने हानि वाला रहे। क्रयमूल बराबर दोनों के जोड़ के 2 से भागा। एक वस्तु को ₹832 में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना ₹448 में बेचने से हानि होता है। तब बताए थे जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो सीपी डायरेक्ट निकालिए, दोनों के जोड़ के 2 से भागा। तो दोनों के जोड़ेंगे बाबू तो 832 से 448, 832 प्लस कितना है बाबू 448, दोनों के जोड़ के या 2 से भागा देंगे तो सीपी निकलेगा। तब तो 2 से भागा दो 416, आई वाला 224, अब जोड़ दो तो 640 रुपया, ₹640 में बेचा। कितना प्रतिशत का लाभ या हानि हो रहा, कह रहा है कि 50% लाभ कमाने के लिए कितना में बेचना पड़ेगा। तो 50% लाभ मैंने कर मतलब ₹320 आप लाभ कमाना चाह रहे हैं तो कितना में बेचे पड़ेगा। तो ये देखिए 639, ₹960 आंसर हो जाएगा बाबू। इसी को अगर बेसिक समझ के बनाइएगा। अब कुछ लोग के ये वाला नहीं ध्यान में रहता है, कैसे लिख देते हैं, का करते हैं, ट्रिक है। यहाँ बेसिक समझिए कि अगर ₹832 में बेचे से ₹1 का लाभ हो रहा होगा तो ये लाभ के घटा दीजिए तो ये सीपी बन जाएगा। और फिर कह रहा है ₹448 में बेचने से उतने हानि होता है जितना एजा लाभ हुआ था। तो ₹1 यहाँ जोड़ देंगे तो जितना में बेचा लॉसवा जोड़ेंगे तो क्रयमूल हो जाएगा। तो क्रयमूल बराबर क्रयमूल, अभी दोनों बात बराबर हो गया तो एक तरफ कीजिए, ये उन्ने जाएगा तो 2x बराबर 832 में से 448 जाएगा बाबू। तो 8 4 12, फिर 8 4 8 4 12, आई बच गया बाबू 4 484, 3 ना बचेगा जी, ये 8 है तो यहाँ 12, तो ये पंचा लिया तो 3 बच गया, तो हो गया 19 दुनिया 38, ₹192। एक अर्थ हुआ बाबू
कि दोनों के घटा के दो से भागा देवे तो लाभ या हानि निकालतो, आ दोनों के जोड़ के दो से भागा देवे तो डायरेक्ट क्रय मूल्य निकालतो। अब कह रहा है कि इसका सीपी बताइए, तो सीपी कितना हो जाएगा, 832 में से 192 रुपया घटावे ना पड़ेगा, तो 0 9 4 13 सात में से गया 640 रुपया। अब इस पर कह रहा है कि 50% लाभ कमाना चाहते हैं, तो 50% लाभ माने 320 रुपया लाभ कमाइएगा, तो एसपी कितना हो जाएगा बाबू, तो हो जाएगा 960 रुपया आंसर, कितना बाबू, तो 960। अब देखिए बाबू यहाँ पर आपका ट्रिक फेल हो जाएगा 33 नंबर क्वेश्चन में। कह रहा है किसी वस्तु को 1060 रुपया में बेचने से होने वाला लाभ, किसी वस्तु को 1060 रुपया में बेचने से होने वाला लाभ, तो 1060 रुपया में बेचने से मान लिए कि 100 रुपया का लाभ हो रहा था, तो 100 रुपया घटा दिए तो क्या मिल गया बाबू, सीपी। होने वाला लाभ कह रहा है कि 950 रुपया में बेचने पर होने वाला हानि से, तो 950 रुपया में बेचने वाला, बेचने से जो होने वाला हानि है से 20%, हाँ कहाँ है बाबू, कह रहा है कि 20% अधिक है, माने जितना हानि होता है ना यहाँ पर बाबू, ओकरा से 20% अधिक यहाँ लाभ होता है। तो हानि अगर 100 रुपया का है तो लाभ कितना हो रहा है, तो 1 से 20% अधिक, तो 120/100 यानी 6/5, समझ रहे हैं बात। अब इसको एक तरफ कीजिए तो योन्ने जाएगा बाबू, तो हो जाएगा x+6x/5 बराबर इस ई वाला एन्ने गया है तो एन्ने आवेगा, तो घटेगा तो 110, तो दोनों जोड़ेंगे तो 11x/5 बराबर 110। तो देखिए बाबू 11 से 10 मरतबे कट गया, इसीलिए x=50 रुपया। तो पूछ रहा है कि सीपी कितना है, तो सीपी देखिए बाबू, ये भी सीपी था ये भी सीपी है, तो एक्स का वैल्यू इसमें रख देंगे, तो सीपी माने क्रय मूल्य बराबर, तो 950 जोड़ 50 बराबर 1000 रुपया बाबू। तो कह रहा है कि बताइए कि 20% लाभ अर्जित करने के लिए कितना में बेचना पड़ेगा, अब 1000 रुपया क्रय मूल्य है बाबू, आप 20% लाभ अर्जित कीजिएगा, तो 20% माने कितना हो गया 200 रुपया, यानी बेचे कितना में पड़ेगा, तब 1200 रुपया में आंसर। अब देखिए बाबू, इससे पहले ट्रिक से ना बना रहे थे इसी पर आधारित क्वेश्चन, इसीलिए हम बोलते हैं ट्रिक जो है थोड़ा सा यदि क्वेश्चन ट्विस्ट किया था आपका ट्रिक फेल हो जाएगा। अब यहाँ बताइए, दोनों बराबर रहता था, 100 रुपया लाभ 100 रुपया हानि, तब ना दोनों के जोड़ के दो से भागा दे देते थे, लेकिन अभी सिचुएशन उल्टा हो गया, अभी कह रहा है कि जो लाभ हुआ है जितना हानि हुआ है उससे 20% अधिक है, तब 20% लाभ अधिक का मतलब होता है 120%, यानी अगर यहाँ 100 रुपया का हानि हुआ है तो यहाँ एक्स का 120% हानि होगा, यानी 6x/5। अभी एक तरफ हुआ था 6, कर दिए कैलकुलेट, यानी ट्रिक ज़्यादा फेरा में मत रहिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, तब वहाँ क्वेश्चन यदि एक्स्ट्रा भी कुछ पूछ दे तो उसको समझने का क्षमता रहेगा। 34 नंबर क्वेश्चन है बाबू, बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। कह रहा है विक्रय मूल्य पर 10% हानि, यानी यदि विक्रय मूल्य 100 रुपया है बाबू, तो इस पे 10% का लॉस हो रहा है, तब विक्रय मूल्य पर 10% हानि माने 10 रुपया का लॉस। इसका मतलब है कि कितना में सामान खरीदा गया था, तो 100 रुपया में बेच के 10 रुपया का लॉस हो रहा है, यानी 110 रुपया में खरीदा गया था। तो कह रहा है कि क्रय मूल्य पर यानी कितना प्रतिशत का होगा, तो 10 रुपया का तो लॉस हुआ, तो क्रय मूल्य 110 पर देखेंगे, रियल में क्रय मूल्य पर होता है लॉस बाबू, तो हो गया 9.1/11%। 35 नंबर क्वेश्चन है बाबू, यदि किसी वस्तु पर विक्रय मूल्य के एक तिहाई के बराबर हानि, विक्रय मूल्य पर जो भी विक्रय मूल्य होगा उसका एक तिहाई हानि हो रहा है बाबू, 1/3 लॉस बराबर 1/3। अब बोलिए 100 मानेंगे बाबू तो ये 3 से कटेगा नहीं, तो जब मानने हैं तो हम अपन हिसाब से कहाँ ना मानेंगे, तो हम मान लेंगे यहाँ पर 100 रुपया, 90 रुपया,
अगर 90 रुपया यदि विक्रयमूल होगा तो एक 1/3 यानी 30 रुपया का लॉस। आ जब 30 रुपया लॉस हो रहा है, एक मतलब वो वस्तु खरीदल के कितना था, तो 120 रुपया के। अब कह रहा है कि तब बताइए कि हानि प्रतिशत क्या है, तो रियल में हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा, तो हानि गुना 100 बटा क्रयमूल होता है बाबू, क्रयमूल 120 है, 3 चौका 12, 25 चौका 100 यानी 25%। देखिए बाबू 36 नंबर क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता को 9 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से आम बेचने पर 20% हानि होता है, यानी कह रहा है कि एक फल विक्रेता को 9 रुपये प्रति केजी जब बेचता है बाबू, तो उसको हानि हो जा रहा है के परसेंट का, तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन कह रहा है 20% का हानि, माइनस का मतलब हानि होता है बाबू, तो कहता है बताइए 5% लाभ कमाने के लिए उसको कैसे केजी बेचना पड़ेगा। क्वेश्चन भी आप लोग को सामने रखना होगा, और बार बार हम एक चीज बोलते हैं बाबू, करीब करीब वीडियो में बोल देते हैं कि केवल सूत के या वैसे मोबाइल में देखे से मैथ ठीक नहीं होगा, टेबल पर बैठ जाइए, सामने एक क्वेश्चन पहले समझिए, फिर उसको एक एक करके कॉपी में बनाइए, तब आपको लगेगा कि कुछ सीख रहे हैं, ना तो लगेगा कि देखते हैं सब ठीके है, आ वही ठीक रह जाएगा सब, वैसा ठीक मत कीजिए, थोड़ा कॉपी में उतारिए, मेहनत कीजिए, जौन काम करे में अगर भार पड़ रहा है तो समझो कि वही काम करेगा। अब पढ़ के ऐसी खाली देख ले हैं मजा आ रहा है, तब मजा से काम नहीं ना है, यहाँ भार पड़े के चाहिए, तो आपको बताइए देखे में ज्यादा भार पड़ेगा कि लिखे में, तो लिखे में एक मतलब वो सही काम है। अभी कह रहा है कि 9 रुपये प्रति केजी की दर से 20% हानि होता है, एकर मतलब 80% बराबर 9 रुपया, तो 5% लाभ माने 105% बराबर पूछ रहा है, तो 9/80 गुना 105, देखिएगा 5 से 20, 16 पचे 80, 5 से 21 और कटेगा कन्हू नहीं, तो 9 9 दूनी 18 में भागा देंगे बाबू 16 से, तो 189 में 16 से भागा देंगे बाबू, तो आ जाएगा 11 रुपया 81 पैसा के करीब आ रहा है। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन बहुत सहायता करता है बाबू एग्जाम में, तो 11 रुपया 81 पैसा ऑप्शन है, ऐसे और भी कुछ जाएगा भागा दीजिएगा तो और कुछ जाएगा, तो लगभग इतना आ गया। यदि किसी वस्तु के क्रयमूल तथा विक्रयमूल में, देखिए बाबू सीपी और एसपी में रेशियो है 4:5, इसका अर्थ हुआ कि 4 रुपया क्रयमूल है तो 5 रुपया विक्रयमूल, तब प्रॉफिट 1 रुपया का हुआ, तब प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट गुने 100, प्रॉफिट प्रतिशत बराबर प्रॉफिट गुना 100 बटा क्रयमूल यानी 25% बाबू। देखिए बाबू 38 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई एक बार एसएससी इस टाइप का क्वेश्चन पूछ चुका है, कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 5% लाभ पर बेचता है, यानी किसी वस्तु का यदि क्रयमूल यदि होगा अगर 100 रुपया, तब 5% लाभ पर बेचेगा, इसका मतलब है कि 5% 105 x/100, जिसको हम लोग लिखेंगे 21 x/5 20, क्योंकि 5% का वैल्यू होता है बाबू 1/20, आ 1/20 का होल वैल्यू निकालेंगे तो 21/20 बेचता है, यदि वह 5% कम में खरीदता आ 1 रुपया कम में बेचता तो 10% लाभ होता, तो उस वस्तु का क्रयमूल क्या है। देखिए बाबू एक दुकानदार सोच रहा है, कभी कभी नया नया जब दुकानदार होते हैं तो बेचारे थोड़े बाजार से मतलब लाते हैं सामान, गांव में बेचते हैं, तो ये लाया सामान खरीद के आ 5% लाभ पर बेच रहा है, लेकिन फिर सोच रहा है कि ऐसे धंधा नहीं चलेगा, वो कह रहा है कि ऐसा करते हैं कि इसको अगर 5% कम में हम खरीदवे करें, माने मेन मार्केट मंडी कहीं है वहाँ से हम खरीद के लावें, तो वहाँ 5% और कम में देगा, और 1 रुपया कम में बेचे, और ग्राहक को भी जब हम कम में खरीदेंगे तो 1 रुपया कम में ग्राहक को दे रहे हैं, और तैयो हमको 10% फायदा हो रहा है,
तो इसका मतलब ग्राहक को जैसे ही हम कम में देंगे तो हमारा धंधा चल जाएगा। तो कह रहा है कि बताइए वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो अगर ये नया क्रय मूल्य को निकलेगा बाबू, नया सीपी अभी जाएगा मेन मंडी में, तो पहले 100 रुपया में खरीदा था बाबू, तो आप 5% कम में खरीदेगा, तो 5% कम यानी कि 19x/20 रुपया में खरीदेगा। कैसे भाई? तो 5% कम मैंने 95, तो 100 × 95/100, तो 19×95 = 100। अब इतना में खरीद के भी कितना लाभ कमा रहा है? तो कह रहा है 10% लाभ कमा रहे हैं। यानी कि इतना में खरीद के 10% आप लाभ कमा रहे हैं, तो 19x/20 = 110% आप ले लिए, तो 110% बराबर 10 से 10। आओ देखिए कटेगा नहीं, तो ऐसा करेंगे 209 आएगा गुना करके 19 को 11 से / 200x। अब देखिए बाबू, पहले बेचता था इतना में, अब बेचता है इतना में, तो ये अपने ना कहा कि अब जो है 1 रुपया कम में भी बेचेंगे तो हमको 10% फायदा हो रहा है। तो 10% फायदा पर निकाल तो लिए कि इतना में आप बेचे, 10% फायदा माने 110% में, तो ये दोनों के बीच अंतर कितना का आना चाहिए, ये और ये के बीच? तो 1 रुपया का। तो 1 रुपया कम में कौन बेचेगा? ई ना, यानी ई वाला में सी वाला घटावेंगे बाबू, तो 1 रुपया आएगा। तो 21x/20 - 209x/200 = 1 रुपया। अब देखिए ये 200 बाबू एलसीएम हो गया अभी 20 से, तो 210x - 209x = 1 रुपया। तो कह रहा है एक्स बराबर कितना होगा? एक्स बराबर 200 रुपया। यानी शुरू में जो सीपी था उस सामान खरीद के कितना में लाया था? 200 रुपया। एक बार और समझा रहे हैं बाबू, बढ़िया से समझ लीजिए। कोई आदमी है, वो कोई वस्तु खरीद के लाता है, पहले उसको 5% लाभ पर बेच देता है, फिर सोचता है कि जहाँ से हम खरीद के ला रहे हैं ये अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, वो महंगा हमको देता है। अबरी जहाँ वो खरीदे जाएगा वो 5% कम में खरीदेगा और बेचेगा 10% ज़्यादा पर, तो 10% ज़्यादा पर बेचेगा। तब कह रहा है कि तबरी बेचे थे जे और अब बेच रहे हैं जे, दोनों में 1 रुपया का अंतर है, माने 1 रुपया कम में बेच रहे हैं। यानी जखनी बेचे थे जखनी से 1 रुपया ही कम है, तो दोनों के घटावेंगे तो 1 रुपया। एक्स का वैल्यू निकाल दिए बाबू। एक फल विक्रेता कुछ संतरे 25 रुपया में 10 की दर से खरीदा, 25 रुपया में 10 की दर से खरीदा सीपी और बेचा कैसे? तो 25 रुपया में 9 की दर से। देखिए बाबू, कुछ लोग इसको कई तरह से बनाते हैं। ये बेचा है बाबू आई खरीदा है, तो दोनों तरफ रुपया बराबर है, तो ये कट गया। अब कहेंगे कि जितना में 10 को खरीदता है उतना में 9 को बेचता है, तो ये भाव के केस वाला हो गया ना। यानी प्रॉफिट कितना कमाया? तो 10 को खरीद के ले लिया है, 9 को बेचला पर उतना पैसा आ गया, यानी एगो फायदा। तो भाव के केस में उल्टा होता है, यानी नीचे क्रय मूल्य ना होके का होगा? विक्रय मूल्य। तो 1 × 9/100 यानी 11.1/9%। देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर आपका 40 है कि कुछ वस्तुएं, माने के गो है जो बताया नहीं है, 5 रुपया में 6 की दर से खरीदा, 5 रुपया में 6 की दर से खरीदा माने सीपी, और 6 रुपया में 5 की दर से बेच दिया। तो कह रहा है कि बताइए लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए ऐसा जब भी सिचुएशन रहे कि इससे पहले वाला क्वेश्चन में रुपया मिल रहा था, तब भाव के केस पर बना दिए, यहाँ ना रुपया मिल रहा है ना दर मिल रहा है, तो ऐसा कीजिए कोई एगो के मिलाने का प्रयास कीजिए। तो इन्हें हम देखिए 6 से गुना कर रहे हैं, एकर मतलब हुआ कि 6×30 रुपया में 36 को मिलेगा, 36 की दर से मिलेगा, यानी 30 रुपया में 36 को खरीदेंगे। और इसको भी 5 से गुना कर दीजिए, काहेला बराबर करेला, 6×30। अब 30 रुपया में के गो बेचेगा? 25 की दर से बेचेगा बाबू, 25 की दर से बेचेगा। अभी ना हम बनाए थे कि रुपया रुपया कट गया, यानी जितना में 36 को खरीदा है 25 को बेच रहा है बाबू, तब प्रॉफिट के गो हुआ? तब 25 6 यानी 11 गो,
11 गो प्रॉफिट हुआ, के गो बेचला पर 25 गो गुना 100। फिर देखिएगा बाबू, यहाँ क्रयमूल नहीं लिखे हैं, क्या लिखे हैं? विक्रयमूल। विक्रयमूल इसलिए लिखे हैं कि भाव का केस है, इसलिए वीडियो को शुरू से देखिए, डायरेक्ट मत इतना नंबर 40 नंबर बनावे लगिए, एकदम एक एक क्वेश्चन देखते हुए आइए, तब समझ में आएगा, उछले से नौकरी ना होगा। 11 चौ 44%। देखिए बाबू, 41 नंबर क्वेश्चन फिर उसी टाइप का आ गया। एक फल विक्रेता ने कुछ फल 24 रुपया में 16 की दर से खरीदा और 18 रुपया में 8 की दर से बेचा। तब देखिए, ये जब हमको लग रहा है कि इस 16 है तो एकरो 16 बनाना आसान है, 2 से गुना करेंगे तो एक मतलब 36 रुपया में 16 की दर से हो गया। अब ये जा देखिए की दर है जो दोनों में बराबर हो गया था, कट गया, एकर मतलब 24 रुपया में 16 को खरीदता था, 36 रुपया में 16 को बेचता था, तो 24 रुपया में खरीदा और 36 में बेचा, तब 12 रुपया का लाभ हुआ, तब 12 गुने 100। अब देखो यहाँ ध्यान देना बाबू, अभी रुपया बच रहा है, जखनी दर बचा था, दर माने वस्तु, तब वस्तु वाला भाव के केस पर जाएगा और रुपया वाला जनरल केस पर जाएगा, तो रुपया जनरल केस है, तो लाभ गुने 100 बटे क्रयमूल ना यहाँ पर होगा। थोड़ा ये सब समझिएगा, 12 दूनी 24 50, यानी 50% का लाभ होगा। अब कुछ लेकिन कह रहा होगा कि सर एकरो ऐसे ही बनाते हैं, तो बना सकते हैं, इसमें गुना कीजिएगा और इसको ऐसा गुना कीजिएगा कि ये दोनों बराबर हो जाए, तो ये दोनों बच जाएगा, तो फिर वैसे बना दीजिए। देखिए हम लोग के सामने 42 नंबर क्वेश्चन है। एक फल विक्रेता 34 रुपया के 8 की दर से सेब खरीदे, माने 34 रुपया में 8 गो सेब खरीदा और 57 रुपया में 12 गो के दर से बेच रहा है, माने 12 गो कितना में था? 57 रुपया में। खरीदा था 8 गो कितना में? 34 रुपया में। तो ऐसी स्थिति में दोनों में से किसी एक को बराबर कीजिए, तो हमको लगता है इसको बराबर किया जा सकता है, 3 से 38 24 आई 12 दूनी 24। एक अर्थ हुआ कि 34 34 12 3 9 यानी 102 रुपया में 12 की दर से ही खरीदा है। ये 38 24 होगा बाबू, 38 24 की दर से खरीदा है, आ जबकि बेच रहा है कैसे? 7 दूनी 14 5 दूनी 10 1 11 यानी 114 रुपया में 24 की दर से बाबू बेच रहा है। तभी बताइए बाबू कि देखिए, 110 रुपया 102 रुपया में 24 को खरीदा था, 114 रुपया में 24 को बेच रहा है, तब 12 रुपया में के गो, यानी 12 रुपया फायदा हो रहा है के गो बेचला पर? 24 गो। तब 12 रुपया फायदा हो रहा है 24 गो बेचला पर, तो एक गो बेचला पर 98 फायदा हो रहा है, तो कह रहा है 45 रुपया कमाने के लिए के गो बेचना पड़ेगा, तो 90 गो आंसर। लेकिन इसको लिख के हम बता देते हैं कि चूंकि 24 बेचने पर, 24 सेव बेचने पर, हालांकि सब लिखने का जरूरत नहीं था, 12 रुपया का लाभ होता है, लाभ कितना होता है? 12 रुपया। तो ये कह रहा था कि एक सेव बेचने 1 रुपया कमाने के लिए 24/12, इसीलिए 45 रुपया कमाने के लिए कितना सेव बेचना पड़ेगा? तो 24/45 हो जाएगा, 12 दूनी 24 यानी 90 गो सेव। अब हम कहते हैं इतना एक एक नियम लिखने का जरूरत क्या है, ये जैसे आप समझिए ना कि 12 रुपया कमा रहा है 24 को बेच के, तो एक मतलब 8 ना कमा रहा है एक को बेच के, तब 45 रुपया कमाने के लिए कितना बेचे पड़ेगा? तब 45 दूनी 90 गो सेव। 17 गेंदे 720 रुपया में बेचने से 5 गेंद के क्रयमूल के बराबर हानि होता है। 17 गेंदे बाबू 720 रुपया में बेचे से हानि कितना हो रहा है? हानि हो रहा है, कह रहा है कि 5 गेंदा के क्रयमूल के बराबर, 5 गेंद के क्रयमूल के बराबर, तो कह रहा है कि बताइए कि 1 गेंद का क्रयमूल कितना है। देखिए बाबू, इस तरह के क्वेश्चन से डरना नहीं है,
इसका मतलब ये कह रहा है कि 17 गो गेंदा जब हम 720 रुपया में बेच दिए तब 5 गेंदा के क्रयमूल के बराबर हानि हो गया। इसका मतलब रियल में पहले ये समझिए कि हानि बराबर सूत्र होता क्या है। तो हानि बराबर होता है क्रय मूल माइनस विक्रय मूल। तो हानि तो देल है कितने गेंदा के, 5 गेंदा के, कौची के बराबर, सीपी के बराबर, यानी 5 सीपी बराबर के गेंदा बेचे पे, तो 17 गेंदा के एसपी। अब हम कह रहे हैं कि 17 गो गेंदा तुम बेचा कैसे, एक मतलब मान से लिखेंगे कि 17 गो तू खरीदा होगा। अब सीपी को एक तरफ कीजिए, ये नहीं आवेगा बाबू, या इसी को अन्य ले जाइए, तो हो जाएगा 17 एसपी, ये नहीं आया तो माइनस से प्लस, ये नहीं जाएगा तो 12 सीपी। इसका अर्थ हुआ कि 17 गेंदा का जितना विक्रय मूल्य है उतना ही में के गो गेंदा खरीदा था, 12 गो, तन 5 गेंदा के क्रय मूल्य के बराबर लॉस हो गया। यानी 17 गेंदा उतना में बेच दिया जितना में 12 गो गेंदा खरीदा था। ये अपने कह रहा है कि 1 गेंदा का कितना दाम होगा, तो 17 गेंदा कितना में बेचा है, 720 रुपया में, तो 720 रुपया के गो गेंदा के सीपी हुआ, तब 12 गेंदा के, 12 गेंद का सीपी हुआ। तो 1 गेंद का सीपी कितना हो जाएगा, 1 गेंद का सीपी बराबर तो हो जाएगा 720 बटे 12, बरछक 72, यानी 60 रुपया। एक दुकानदार को 12 कॉपी बेचने पर 4 कॉपी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी 12 एसपी बराबर 12 गो। कह रहा है कि कॉपी बेचने पर लाभ कितना हुआ, 12 कॉपी बेचता है तो लाभ कितना हुआ, तो कहता है कि 4 कॉपी के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी 4 एसपी के बराबर। अब यहां पर एसपी या सीपी निकाले पड़ता है बाबू, ऐसे जनरल लोग नियम लगा दिए हैं कि 4 बटा, अगर लाभ रहे तो घटा देना, हानि रहे तो जोड़ देना। लेकिन ऐसा क्यों होता है जो यहां से समझ में आएगा। लाभ बराबर होता क्या है, विक्रय मूल माइनस क्रय मूल। अब इसका मतलब 4 एसपी के बराबर लाभ हो रहा है, तो के वस्तु बेचने पर 12 वस्तु, तब 12 गो तू बेचा कहां से, का मतलब 12 गो तू खरीदा होगा। अब एक तरफ कीजिए, यानी 12 सीपी बराबर ये ने जाएगा बाबू 8 एसपी। अब क्वेश्चन ठीक लग रहा होगा, यहां से तो आप सीख ले हैं कि 12 वस्तु का क्रय मूल्य 8 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी जितना में 12 वस्तु खरीदे थे उतने में 8 वस्तु बेच रहे हैं, तो फायदा होलो ना 4 वस्तु के। तो 4 वस्तु, यहाँ वस्तु यानी भाव का केस, भाव के केस में नीचे विक्रय मूल गुना 100, 4 दुनी 8, 50 दुनी 100, यानी 50% का लाभ होगा बाबू। 36 संतरा बेचने पर एक फल विक्रेता को, यानी 36 गो संतरा जब बेच रहा है तो एक फल विक्रेता को हानि हो रहा है। आ हानि किस रूप में हो रहा है, क्रय मूल्य में कि विक्रय मूल्य में, जे देखिए हानि हो रहा है बाबू विक्रय मूल्य के रूप में, यानी 4 संतरा के विक्रय मूल्य के रूप में। तो आप समझ रहे होंगे कि हानि रहा है तो ये दोनों जुट के भागा होगा है, लेकिन हम फिर से एक बार इसको भी सिखाने का प्रयास करेंगे। अब ऐसे तो आप लोग कर दीजिएगा कि हानि रहा है तो जुट जा है, लाभ रहा है तो घट जा है, क्योंकि भाव का केस है, सब उल्टा होता है। तो हानि बराबर का होता है बाबू, तक क्रय मूल माइनस विक्रय मूल। हानि के वस्तु तो 4 एसपी, क्रय मूल कितना तो 36 सीपी, विक्रय मूल 36 एसपी। अभी देखिए नहीं आवेगा, यानी 40 एसपी बराबर, देखे जुट गया ना, हानि रहला पर जुट गया बराबर 36 सीपी। आ यही चीज के कारण लेकिन कभी जोड़ के बनावेगा कभी घटा के नहीं। लाभ रहे तो लाभ वाला सूत्र लिखिए बाबू, हानि रहे तो हानि वाला सूत्र। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन कभी भी गलती ना होगा, आ जब एक बार माइंड में सेट हो जाएगा तो लिखने का कोई जरूरत नहीं है। तब प्रोफ यहाँ पर लॉस प्रतिशत बराबर, अब सोचिए लॉस हुआ नहीं बाबू, जितना में हम 40 गो बेचे उतना पैसा में हम 36 गो खरीद के लाए थे, तो
11 से ना 4 गो गेलै, तो 4 गो घाटा होले, के गो बेचला पर 40 गो, तो 100 पर, यानी 10% का लॉस हुआ है बाबू।